सेंट्रल कॉलेज में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शैलेश पांडे, तकतपुर से विधायक रश्मि सिंह, लोर में विधायक धर्मजीत सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल शामिल हुए। वार्षिकोत्सव में प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए छात्रों ने समा बांध दिया। कॉलेज के संचालक विनय केतपाल ने बताया कि कॉलेज में हर साल वार्षिकोत्सव होता है। कॉलेज में 500 से ज्यादा छात्र हैं और पीजी की 7 फैकल्टी हैं जो जल्द 9 हो जाएंगी। इस दौरान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने बताया कि छात्रों पर पढ़ाई के अलावा की कई खूबी हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों में निखरती हैं। ये डॉक्टरी के साथ साथ आदमी की अपनी खुद की जो खासियत होती है उस खासियत को वार्षिकोत्सव माध्यम से बच्चे प्रस्तुत करते हैं और ये इसी प्रकार का सफलतापूर्वक ही 14वां वर्ष है। न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये वार्षिक उत्सव है। इसमें हमारे बच्चे जो डेंटिस्ट्री के साथ साथ उनके अंदर की जो कलाएं छुपी होती है, जैसे कोई डांस में पारंगत होता है तो कोई रंगोली में प्रतियोगिता में भाग लेता है। इस वार्षिकोत्सव की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हमारे कॉलेज के समस्त समस्त छात्र छात्राएं ही भाग लेते हैं। हम किसी को भी स्पेशल रूप से यहाँ पे इनवाइट नहीं करते। हमारे इस कॉलेज को जो 2006 में चालू हुआ, करीब 14 साल हो चुके हैं और दिनों दिन हमारी तरक्की होते जा रही है। इस कॉलेज में 500 बच्चे अध्ययनरत हैं तथा इस कॉलेज के में पीजी भी यानी पोस्ट ग्रेजुएट भी है। टोटल 9 फैकल्टी होती है और हमारे कॉलेज में 7 फैकल्टी में पीजी थे, 7 सब्जेक्ट में पीजी थे। इन 7 सब्जेक्ट में पीजी हैं और आने वाले समय में हम 2 सब्जेक्ट जो बचे हैं उनमें भी पीजी लेके